देश देश का नाका जयकारा लगा कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान हमारा, अरे सालों तुमने सब कुछ देश खाया हिंदुस्तान से, बचे क्या है हिंदुस्तान के अंदर? और ये जो जंग वंग कर रहे पाकिस्तान शत्रु है ये कर रहे सारे साले ये चूतिया बना रहे हैं पब्लिक को। ये 2019 का इलेक्शन आ गया है ना, और इलेक्शन की वजह से पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जनता के पास सोचने का दिमाग नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाइना के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे साले जिस तुम्हारे खुद के देश की औकात नहीं है कि अपने पटाखे अपने देश में पटाखे फोड़ने की, वो हमारे हिंदुस्तान में अटैक करेंगे? पूरा नौटंकी लगता है ये, पूरा नौटंकी है सर। लोग तो बड़े हमारे जवान करके उछल कूद कर रहे हमारे जवान को मार। अरे वो जवान से पूछो ना, जिसका जिसके किसान का बेटा है वो जवान फौज पर फौज बन के बॉर्डर पर खड़ा हुआ ना, उस किसान से पूछो जाके तो उसने कैसे खेती सीख सीख के अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा जवान पर बॉर्डर भेजा है, और जो घर के अंदर चोर बैठे हैं उनको तुम सह दे रहे हो। तो घर के अंदर के लोग नहीं सुधरेंगे ना सर, बाहर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, बॉर्डर पर खड़े रहे। लोगों की नस नस में पूरे सभी जितना भी हमारे हिंदुस्तानी की करप्शन फैला हुआ है ना, सबके नसों में फैल चुका है। जैसे एक स्मैक होता है ना, स्मैक जब इंसान स्टार्टिंग में लेता है तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, सब दो चार ले लेता है ना, नसों नसों में फैल जाता है बुलेट में पूरा, अब उसके बिना रह नहीं सकता। वैसे इंसानों के शरीर में फैल चुका है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे राइट ना सर, नहीं सीधे ये नेशा किस चीज़ का बोल रहे हो आप, क्षमता की और क्षमता का वो सबमिट करने की? ये जो नशा बता रहा हूँ ना आपको मैं, हराम खोरी की। अच्छा सबको पैसा चाहिए, हराम का चाहिए, घर में बैठ के चाहिए, इसीलिए हिंदुस्तान पीछे पड़ा नहीं। सबसे आगे टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान हमारा होता अगर ईमानदारी सच्चाई से काम करते रहते। जापान छोटा सा पुस्सू सा मुल्क है, देखो उसकी टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान है और जापान हर जगह यूज हो रही है उसकी। अमेरिका देखो, रूस देखो, चाइना देखो सर, चाइना किस गिनती में आता था? चाइना देखो आज की डेट में, वो जैसा कि आज प्रोजेक्ट बनाता है साला, आज चले या कल वैसा खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट में वजह से उसका नाम तो है देशों में, हिंदुस्तान का क्या नाम आता है? कहीं नहीं आता। कहते हमारे आठवें नंबर पर नाम आएगा, साले तुम खुद चोर बैठो, तुम्हारा आठवें नंबर कैसे नाम आएगा? सब जानते हो कितना सही हो। इधर से उठन वाले मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान रोजगार लाएंगे हम, अरे साले तुम्हारे खुद के घर में खाने को दाना पानी नहीं है तो हिंदुस्तान रोजगार कहाँ से लाओगे? जो रोजगार थे तुमने पहले खत्म कर दिए। इधर ही छुड़िए।